कठुआ के घाटी स्थित सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 10 एकड़ भूमि में बनकर तैयार हुए उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसके निर्माण में 3 वर्ष का समय लगा और इसे 44 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में ये पहला बायोटेक पार्क होगा, जहां पर जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए प्रयोगशाला में अनुसंधान होंगे। इसके अतिरिक्त बायोटेक्नोलॉजी उद्योग को प्रोत्साहन देने में अहम साबित होगा, इससे प्रदूषण सहित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण करने के उपरांत कहा कि इस तरह के बायोटेक पार्क बनने से जम्मू कश्मीर में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका लाभ सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल को भी मिलेगा, जहां पर कृषि उत्पाद के शोध कार्य होंगे। प्रदेश की बंजर भूमि में पैदा होने वाले औषधीय एवं सुगंधित पौधों के भी जहाँ शोध कार्य होंगे। किसानों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता की जांच कराने के बाद जहां से प्रमाण पत्र भी जारी होंगे, जिससे उनके अच्छे उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी और उन्हें उसका ज्यादा मुनाफा होने पर आय दुगनी बनाने में सहायता मिलेगी। आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन और इसलिए भी कि आज जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे पर उभर कर आया है और इतनी नुमाइंदा ढंग से आया कि जैसे पहले कभी नहीं। और आज कठुआ का नाम हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां पर कि ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की गई। जैसे जिक्र किया जा रहा था, ये शायद 9वीं या 10वीं पार्क रहेगी पूरे देश में और उत्तर भारत में सर्वप्रथम। और न केवल जम्मू कश्मीर को इसकी सेवाएं और सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि पड़ोस के राज्य, भले हिमाचल प्रदेश है, भले पंजाब है। अब इस बायोटेक पार्क की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर कहानी ना सुनाई जाए तो वेदना का एहसास नहीं होता। बनाया आना ही हा आई ही जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है उसमें एक सैड सॉन्ग होता है, फिर हीरोइन बिछड़ जाती है, फिर वापस आती है तो पता चलता है कि क्या गाँव डेज हुई। अगर ना वजह अरे होना क्या है, होना क्या है लगती है बड़ी गल के लिए। और हमारा स्वभाव है कि भाई तो होना ही था। सन 2014 में भरसक प्रयास के बाद इस इंडस्ट्रियल पार्क की मंजूरी दी गई, जब तक यहां किसी को कल्पना नहीं थी क्या था। और जब मैं ये प्रस्तावना लेकर के गया तो मुझसे पूछा गया कि साहब जहां हम लेकर के जा रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये है क्या। मैंने कहा इसीलिए हम लेकर के जा रहे थे। एक जिम्मेवार प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि उसकी आंगन के ऊपर जो धरना लगे उसकी मांग के ऊपर वो काम करे, या जब कोई पुतला जला ले तो उसका काम करे, या सिर्फ ट्रांसफर ही करे। उसका काम ये कि अध्ययन करे, शोध करे और अपने जनता तक, अपने इलेक्ट्रेट तक जाकर के पहुंचे कि आपके पास इस तरह के संसाधन मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, क्यों ना हम मिलकर के इसकी मांग करें। लेकिन उसके बाद कुछ बीच में राजनीतिक घटनाएं हुई। एक कश्मीर से आवाज आई कि सब ये कठुआ कैसे चला गया, राजधानी तो श्रीनगर ना हो तो जम्मू है। फिर जो विवाद बढ़ने लगा तो हमने कहा कि हमारा काम ना रुक जाए तो हमने ये कहा कि साहब एक कश्मीर को भी दे दी जाए, तो कश्मीर को चला गया। हमारा प्रारंभ में वहां से ये आवाज आई कि ये गांधरबल में होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की वो चुनावी क्षेत्र था। सरकार बदल गई, दूसरे मंत्री जी आए, उन्होंने कहा नहीं मेरा चुनावी क्षेत्र कुपवाड़ा है, फिर अल्मोड़ा चला गया। तो उसी दौ बीच में ये विलंब होता गया, लैंड ट्रांसफर ना हो सका वहां पर। अब जैसे उपराज्यपाल जी कह रहे थे तो वहां गति बढ़ी है, लेकिन इस दौरान
दिन प्रतिदिन डे टू डे बेसिस फॉलोअप करके हमने यहां की बायोटेक पार्क को मुकम्मल करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए इस सहयोग के लिए मैं विभाग की और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। मैं घाटी में पड़ते गांव में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का आज उद्घाटन माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो अपने हाथों के द्वारा किया है, आज सारे लोग यहां उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बखूबी उनके जो जितने भी बाकी साइंटिस्ट आए हुए थे उन्होंने सब ने ये बताया है कि किस तरह से ये आने वाले दिनों में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल और आसपास के जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, उसका ये पहला बायोटेक पार्क है जो बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसका फ़ायदा पुरजोर तरीके से लोकल लोगों को जो यहाँ के रूरल एरिया में रहते हैं उसके उनको तो बहुत अधिक होने वाला है, परंतु जो हमारी नियरेस्ट स्टेट्स हैं वहाँ से भी बच्चे यहाँ पे संशोधन करने के लिए आएंगे। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले 10 साल से 12 साल से जब से भी हमारी जम्मू कश्मीर में जब से मोदी जी की सरकार है और उसके साथ साथ जैसे माननीय मंत्री साहब जो हैं वो सत्ता में हैं और कितना कुछ जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयास के द्वारा कठुआ के लोगों के लिए जो है वो दिया गया है, जिसको जिसका हम सीधा सीधा कहें कि विकास पुरुष जो हैं डॉक्टर जितेंद्र जी को कहना गलत बात नहीं होगी, उनके द्वारा ही बड़े सारे उन्होंने आज प्रोजेक्ट भी गिनाए कि जो कुछ जो बन के तैयार हो चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में जो लोगों को मिलने वाले हैं, जैसे जिसमें हाईवे विलेज का एक काम है, हीरानगर के स्टेडियम का काम है, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ दिनों बाद जो है वो जैसे जिनका कहीं कईयों का काम शुरू हुआ है और कई जो है वो पूर्ण होने पर हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से अपनी अपने आप में पहले थे, पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थे जो कठुआ में ही बन के तैयार हुए हैं। जैसे उन्होंने उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात की, जैसे उन्होंने इसका कीड़ियाँ गणियाल वाला जो ब्रिज है उसकी बात की, ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सपने में भी सोचना जो है वो था नामुमकिन था और ये आज पूरी तरह से लोगों के बीच में है, लोग इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह के गिफ्ट जो हैं, इस तरह के हमारे विकास कार्य जो हमारे कठुआ को दे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह के और कार्य जो हैं हमारे कठुआ ज़िले को मिलेंगे और लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता के पार्टी के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, जो वो बढ़ेगा। मेरी पंचायत के बिल्कुल नियर बाई है ब्लॉक बनोटी में जैसे आपने बात की, तो ये हमारे लोगों के लिए खास करके कंडी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे उन्होंने कहा कि कम से कम नए हर साल 25 स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जितने भी छोटे यूनिट्स हैं, वजह से आपने देखा होगा फिल्म चल रही थी, तो जितने इंडस्ट्रियल छोटे यूनिट्स हैं उनकी मूल्यांकन करने के लिए, उनकी वैल्यू डालने के लिए, उनके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी वैल्यू डाली जाएगी और उनको आने वाले दिनों में जो लोग इंडस्ट्री यहाँ लगा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है किसानों के साथ साथ। हार सकता है ना जीत सकता है हमारे जितने भी यहाँ बैठे।